प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है कि बहुत सी महिलाओं को नाभि पर एक काली लाइन बन जाती है। क्या आपको भी प्रेगनेंसी में ऐसी कोई शिकायत है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर होता क्या है? तो आपके सवालों का जवाब है मेरे पास, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में चेंजेस आना स्वाभाविक होता है, लेकिन इन चेंजेस में नाभि में बदलाव कितना नॉर्मल है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं इसके कारण और इससे निपटने के उपाय बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे भ्रूण का आकार बढ़ने लगता है वैसे वैसे पेट का भी आकार बढ़ता जाता है। इसके कारण महिलाओं के पेट की त्वचा पर खिंचाव पड़ने लगता है और नाभि पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। जब गर्भावस्था के 3 महीने पूरे हो जाते हैं तब नाभि में बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के समय में एक महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। वैसे तो ज्यादातर बदलावों के बारे में आपको पहले से अंदाजा होता ही है, लेकिन कभी कभी कुछ लक्षणों को देखकर हैरानी भी होती होगी। ऐसा ही एक लक्षण है लीनिया नाइग्रा। आपके प्रेगनेंसी होने के कुछ समय बाद जब आप शीशे के सामने खड़े होकर देखती है तो आपको अपनी नाभि के ठीक नीचे से लेकर प्यूबिक एरिया तक एक गहरे रंग की रेखा दिखाई देगी। ये रेखा लीनिया नाइग्रा है, जिसे प्रेगनेंसी लाइन के रूप में भी जाना जाता है। एक लाइन है जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखती है, जो नाभि से प्यूबिक हेयर लाइन तक पहुंचती है। कई बार ये नाभि से ऊपर की ओर ब्रेस्ट बोन तक भी जाती है। आमतौर पर प्रेगनेंसी से पहले भी हम सभी के शरीर में ये लाइन होती है, बस प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान ये लाइन और भी ज्यादा उभर जाती है। ये एक पूरी तरीके से सामान्य स्थिति है और डिलीवरी के बाद आमतौर पर दूर हो जाती है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान शरीर से भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने और फीटस की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इन हार्मोन्स के अक्सर कुछ प्रभाव होते हैं। इन हार्मोन्स के ज्यादा बनने के कारण मेलानिन भी बढ़ने लगता है। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, जिसमें आपको ये लाइन दिखाई दे सकती है। वैसे जैसा कि नाम से पता चलता है कि लीनिया नाइग्रा एक गहरे रंग की रेखा है जो आपकी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में दिखाई देने लगती है। ये रेखा वास्तव में पीलापन के लिए होती है, जो प्रेगनेंसी से पहले लगभग ना के बराबर दिखती है और फिर प्रेगनेंसी के दौरान अचानक दिखाई देने लगती है। इसे लीनिया अल्बा कहा जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर पड़ने वाली ये रेखा पूरी तरीके से नॉर्मल होती है और ये बिल्कुल ही नेचुरल होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान लीनिया नाइग्रा की उपस्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। और इस समय आप ये भी देखेंगी कि इस अवधि के दौरान आपके निप्पल के आसपास का हिस्सा और क्लिटोरिस भी गहरे रंग का हो जाएगा। और वैसे भी इसमें चिंता वाली कोई भी बात नहीं होती है, इसलिए शांत रहें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, क्योंकि ये कुछ समय के बाद खुद ब खुद गायब हो जाएगी और ये आपकी डिलीवरी के बाद कुछ महीनों में खुद से ही चली जाती है। डिलीवरी के बाद आपके शरीर में मेलानिन हार्मोन स्टेबल होने लगता है, जिससे आपकी त्वचा का रंग वापस पहले जैसा दिखाई देने लगता है। वहीं बच्चे को जन्म देने के बाद आपका शरीर वापस से सामान्य होने लगता है। इसका अर्थ है कि आपके हार्मोन का स्तर भी सामान्य होने लगेगा। आपके पेट पर पड़ने वाली ये रेखा अपने आप ही गायब हो जाएगी। लेकिन अगर डिलीवरी के बाद भी ये नहीं जा रही है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके इसे दूर करने के लिए किसी क्रीम का उपयोग भी कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर से बिना पूछे आपको किसी भी क्रीम या फिर दवाई का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आप मेरे बताए गए इस उपाय को आजमाएंगी तो आपको जल्द ही फायदा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के 1 घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।